8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणी तुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहिने सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या परिवारों के संरक्षिका। चमत्कारी दिन का शोरगुल बीत गया, सब के सब चले गए अपने दूल्हे के पास धन्यवाद अदा करने के लिए। दुल्हन हाथ जोड़कर आई है। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। आपको देने के लिए मेरा हृदय ही है, कृपया स्वीकारें। पिता, ईश्वर की योजना है पवित्र परिवार का समाज, तू इसे संभाल। पवित्र परिवारों को तैयार करके कलीसिया को मजबूत बना। मैं अपना जीवन पूर्णतः समर्पित करती हूँ। माता की प्रेरक सेवाओं से आकृष्ट होकर कई व्यक्तियों ने चाहा कि अपने घर और समाज सुधारें, और उन्होंने काफी जमीन मरियम त्रेस्या को मुफ्त में दे दी। इस प्रकार मुफ्त में मिली जगह पर माता द्वारा बनवाए गए मठ हैं कोड़िकट्टू शहरी तथा तुमपुर के मठ। फादर पेद्रुस पशेटिल ने जो जगह मुफ्त में दी वहां एक पाठशाला लड़कियों के लिए खोली।
माला उपजिला का प्रसिद्ध सेंट मैरीज हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कोड़ीकट्टा शुरू में माता की कब्र से युक्त मठ के सामने सिर उठाए खड़ा है। हिसाब तैयार कर चुकी हूँ मदर, एक पैसा भी बाकी नहीं है। रोजी रोटी के लिए धन कमाना है, इतनी तंगी इसके पहले कभी नहीं हुई। ईश्वर ने हमें शून्यता से यहाँ तक पहुँचाया। मुझे डर नहीं है सिस्टर एलिस। आज सुबह मंदिर गई तो कुछ व्यक्तियों ने हंसी उड़ाई। किसके लिए? कुशीकट्टुशेरी मठ का निर्माण 50% हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धन कमाए बिना क्यों निर्माण शुरू किया, ये एक सवाल है। काठ के साधनों के लिए कितनी मात्रा में काठ चाहिए, ये सब कहां से मिलेंगे? फादर विदेतिल और मंदिर के सदस्यों ने काफी मदद की है, अब वे नहीं कर सकते। ईश्वर कहते हैं कि मठ के निर्माण के लिए काठ राजा से पूछे। राजा से? हाँ, हम तप्पुड़ीतुरा जाकर राजा से मुलाकात करें। कुशीकट्टुशेरी से त्रिपुणितुरा तक जाकर वापस आने में 4-5 दिन नाव पर यात्रा करनी है। यात्रा खतरनाक है, ये नहीं चाहिए मदर। मेरे ईश्वर कहते हैं त्रिपुणितुरा राजमहल जा, कल सवेरे हम इधर से निकलेंगे। हमारे नंपाणन चक्कुचंद राजमहल में है ना, नाव वाले अंतोनी को बुलाओ। ये तो काफी अच्छी कहानी है। सुबह होने को है मदर, हम कल किस समय त्रिपुणितुरा पहुँचेंगे? कल तड़के पहुँचेंगी, है ना मदर? ईश्वर की कृपा से हम पहुँचेगी, प्रार्थना करें। तुम्हारे लंबे सफर के लिए हमें शंका है, तुम प्रार्थना करो। हम रास्ता भटक सकते हैं, पूछ पूछ कर जाएं। हम प्रार्थना करें ईश्वर की इच्छा पूरी हो। माताओं, मैंने आने में देरी तो नहीं की? नहीं, हम अभी आए। हो
माताजी, हम रास्ता तो नहीं भटकेंगे। मैं पहली बार इतनी दूर यात्रा कर रहा हूँ। रास्ता नहीं भटकेंगे अंतोनी। आपको इतना विश्वास कैसे? क्योंकि प्रभु ने इस यात्रा को अनुग्रहित किया है। कैसे? प्रभु का स्वर्गदूत हमारा मार्गदर्शक बनकर आगे चलता है। तो वो कहाँ नजर आता है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तू यहीं खड़े हो जा। ईसा मसीह की स्तुति हो। यहाँ कोई उत्तरदायी सिस्टर हैं? आग्नेस मदर अंदर है। क्या आप उन्हें बुलाएंगे? आओ। आपका नाम क्या है? वेरोनिका। ईसा मसीह की स्तुति हो। और सदा स्तुति हो। अंदर आकर बैठिए, यो तो सुविधाएं कम हैं। कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या चाहती हैं? आपका उद्देश्य क्या है? खास बात इधर क्या हुई चाकोचन भैया? अरे क्या नहीं हुआ है, दो धर्म बहनों का दो रातें नाव पर सवार करना, ये कोई मनमानी नहीं है क्या? अरे नाव यात्रा में डाकुओं का होना स्वाभाविक है। आपको मालूम है ना? ठीक है, हम मंदिर के सदस्यों का भी कोई दायित्व है। हमने बिशप मेनाचेरी से पिछले दिन मुलाकात की तो उन्होंने कहा था कि आपके विषय में सावधान रहें। मदर महाराज से मिलने गई है। महाराज से मिलने के लिए दो धर्म बहनें जाएं? अरे धर्म बहनों को तो मठ में ही रहना चाहिए, आपको किस बात की कमी है? पुत्तनचिरा के पवित्र घराने के मातृ भवन का निर्माण रुक गया है, धन की तंगी से हम परेशान हैं, इसलिए महाराजा से मदद मांगने गई हैं। ओह ना, अच्छा भाई, हमें लज्जित कराने गई हैं। आप ऐसा मत बोलिए। तो फिर कैसे कहूँ? मंदिर और गांव के लोगों ने जगह दी, निर्माण की सामग्रियां दी, धन दिया। ज्यादा चाहिए तो फिर से पूछ लीजिए। यदि मांगना लज्जा की बात है तो सूद भर लें। ये चाकोचन देगा, चाकोचन देगा, समझे? चाकोचन देगा, क्यों जी? आपको परेशान नहीं करना था इसलिए नहीं कहा। महाराजा के सैकड़ों दायित्व होते हैं, गांव के एक मकान की निर्माण करना क्या महाराजा का काम है? आपको जरा विवेक होना चाहिए। हमसे चर्चा करके आपको जाना चाहिए था। मदर मरियम थ्रेसिया ने प्रार्थना करके ये फैसला लिया है। मदर मरियम थ्रेसिया बड़ी भक्तिन तो हैं, तब तो आप प्रार्थना करके काम चलाइए। महाराजा जो भी देते हैं इन गुलामों को भी मिलने दें। मदर मरियम थ्रेसिया का दिमाग। आओ दोस्त। दो धर्म बहनें वहां खड़ी हुई है ना? जी मालिक। चमत्कार की बात है, उन्हें जल्दी अंदर भेज दो। जी मालिक। बड़ी दूर से आए हैं आप, स्वागत है, बैठिए। तो मैं मंत्री सचिवोत्तम पनिक्कर, संपूज्य धर्म बहनों के इतनी दूर से आने का उद्देश्य बताइए, आपको कौन सी मदद चाहिए?
हम त्रिशिव पेरूर के कुशी काट्टू शेरी से आ रही हैं। हमें महाराजा से मिलकर एक हर्जी सुनानी है। माफी चाहता हूँ, आपकी सुदूर यात्रा की परेशानियां जानकर दुख होता है। आप लोगों का महाराजा से मिलना जल्दी संभव नहीं होगा। क्या राजा इधर नहीं है? नहीं, वो अस्वस्थ है, लेटे हुए हैं। क्या यह कहने में समस्या है कि उन्हें कौन सी बीमारी है? राजा को बड़े फोड़े हुए हैं, सीने पर है, ज्यादा गंभीर हालत है। राजमहल के वैद्य भी हार मान गए हैं। अब अनंतपुरी से बड़े वैद्य आकर दवाइयां तैयार कर रहे हैं। आपको ऐतराज न हो तो प्रार्थना करके मैं एक जड़ी बूटी तैयार कर दूंगी। डरिए मत, सफल होगी ऐसा मेरा मन कहता है। तैयार कीजिए, यदि राजा सहमत हैं तो हम उसे आजमाएंगे। आइए सिस्टर। मेरी प्रियवर, दो धर्म बहने आई हैं। वे कारगर दवा तैयार कर रही हैं। आपकी क्या राय है? कौन धर्म बहने? ईसाई धर्म बहने हैं। त्रिशु पेरूर पुत्तन चिरा से आई हैं। मदर मरियम त्रिस्या। मदर मरियम त्रिस्या।
के बारे में कहीं सुना है? ईसा मसीह की समर्थक हैं। प्रार्थना करके ये सफलता पाती हैं। ये बातें कार्याधीश नंपाड़न चाको से सुनी गई हैं। प्रार्थना की शक्ति के बारे में हमें भी पता तो है पणिक्कर। उन्हें बता दीजिए महाराज। धर्म बहनों की दवाओं का प्रयोग पहले करें। वे प्रार्थना करते हुए दवाइयां तैयार करती हैं। पिता, मेरे प्रभु ईश्वर, यह दासी बिल्कुल दीनहीन होकर प्रार्थना करती है, हमारे राजा की बीमारी को जल्दी दूर करें। आप ही दिव्य वैद्य और दवा हैं। एक ही पल में आपकी दृष्टि मात्र से रोग दूर कर सकते हैं। यह हमारी आस्था है, आप ही करें प्यारे पिता। आप नीचे उतरकर इस दवा की शक्ति हो जाएं। जब इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तब ईसा के पवित्र रक्त की शक्ति से रोग की शैतानी शक्ति को भगाकर क्रूस के तले भेजती हूँ। आप क्रूस के रक्त से राजा के रक्त को धोकर शुद्ध बनाकर चंगाई भेज दीजिए। महारानी, आप दवाइयों का मरहम लगाइए, धैर्य रखें। रही है चक्कूचन, नाव भर चीजें तो हैं। हाँ चक्कूचन, वहां की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां कुछ नहीं खास। बड़े गर्व के साथ आ रहे हैं। आप उन्हें दो बातें बता देना। रुको, वहां जाने के बारे में क्या आपने सोचा? महाराजा से मिले क्या? नहीं भाई। चाको चन का सोचना सही था ना? अरे दो धर्म बहने अकेली इतनी दूर चली आई, दो महिलाओं को अकेला देखकर महाराजा दरवाजा खोल देंगे क्या? नहीं, वो राजा को। क्या बताऊं, तुमने पुत्तन चिरा के लोगों को नीचा दिखाया है। अगर तुम मुझे एक शब्द कहते तो मैं तुम्हारे साथ आ जाता। चाको चन के साथ बहुत लोग हैं, चाको चन, समझे? मेरे प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, इसलिए मैं गई, मुझे इतना ही मालूम है। मैंने सोचा नाव भर के भेंट ले आए हैं। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षक। ओ मेरी माता मरियम और मेरे प्रभु यीशु। तेरा
दे तू पा